किस तरह से कांग्रेस ने पाकिस्तान को तीन बार हराया है, किस तरह से कांग्रेस ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। एटम बम बनाने का काम इंदिरा गांधी के जमाने में 1970 में हमने अपने यहाँ देखा है। इनके पास सिवाय मुसलमान और पाकिस्तान के कोई जुमले नहीं है। 10 साल का रोजगार सिर्फ ड्रामा रहा है उनका। सारे कचरा, सारे गंदे लोग भारतीय जनता पार्टी में चले चुके हैं। नाम बदल करके भ्रष्टाचारी जनता पार्टी रख लेना चाहिए। पाकिस्तान से चंदा आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में, जो देश में शांति रहे, लोग मिलके रहे, भाई बहन जो भाईचारा जो है देश का वो कायम रहे। लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे आपस में मतभेद ना रखें। देश में सिर्फ विकास की बात हो, प्रगति की बात हो, रोजगार की बात हो, बस यही मुद्दे हैं। लोग आपस में रोजगार, तो बीजेपी सरकार कह रही है कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं देख रहा हूँ कि रोजगार जहाँ तक देने की बात है, वो रोजगार दिया तो नहीं गया, उल्टा रोजगार छीन लिया गया है। MTNL में लाखों लोग काम करते थे, MTNL के लोगों को जबरन VRS लेने को कहा गया है, BPCL बेचने की तैयारी है। रेलवे में 17 लाख लोग काम करते थे, करीब 4 से 5 लाख पद खाली हैं, उसको भरने का काम नहीं किया जा रहा है। विदेशी कंपनियां अपना निवेश कम कर रही हैं, जिसके लिए रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, क्योंकि जब विदेशी कंपनियां आती हैं तो देश में लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन देश में जिस तरह से नफरत का माहौल बन रहा है, कंपनियां यहां के माहौल, यहां के हालात, यहां पे दंगे फसाद को देख करके भारत में निवेश करना नहीं चाहती हैं, जिसके लिए यहाँ पे विदेशी कंपनियों का आगमन कम हुआ है। रोजगार के अवसर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों जगह पे रोजगार के अवसर काफ़ी कम हुए। मोदी के 10 साल के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? 10 साल का रोजगार सिर्फ ड्रामा रहा है उनका। एक तरह से वो जो बोलते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नए नए सोशल मीडिया और मीडिया का इस्तेमाल करके उन्होंने सिर्फ खुद का प्रचार किया है, खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश की है, जबकि देश में हर चीज़, चाहे देश में पैसे की बात हो, डॉलर के मजबूत काफ़ी कमज़ोर हुआ है, पेट्रोल का भाव काफ़ी बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, रोजगार कम हुआ है, तो किस हिसाब से की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, गरीबों का बच्चा हूँ, गरीबों के साथ खड़ा हूँ, गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, बोलने में जो उनका जो तरीका है बात करने का, इसकी मैं सिर्फ तारीफ करना चाहूँगा कि वो वक्ता बहुत अच्छे हैं और लोगों के जज्बात को जानते हैं कि लोगों की नस कहाँ है। उनको खुश करने के लिए उनकी बातें बड़ी लुभावनी है और यही उनकी उपलब्धि है कि उनकी बातें अच्छी रहती है, काम बिल्कुल नहीं रहता, ज़मीनी हकीकत 0 है। बस उनकी जो बातें हैं और जो बड़े बड़े वादे हैं, मोदी की गारंटी किस चीज़ की है भाई? आपने गारंटी दिया था राजस्थान में रेप के ऊपर कि वहाँ पर रेप बहुत हो रहे हैं। आज एक विदेशी महिला आई जर्मन से, उसका रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, 4 लोगों ने रेप किया, एक बस के अंदर एक दलित महिलाओं को बंद करके 10 लोगों ने उसके हाथ में बलात्कार किया। यही मोदी की गारंटी है? विपक्ष करे तो आप उस पर हंगामा करते हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, मीडिया में उनका दुर्प्रचार करते हो, मीडिया में विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते हो। आपकी सरकार आती है, वही घटनाएं होती है, तो आप उसको आपकी वो उपलब्धि हो जाती है। विपक्ष करे तो गुना, आप करे तो बस बहुत बड़ा काम हो गया। ये 24 लोकसभा इलेक्शन में कौन आ रहा है, किस सरकार? देखिए, सरकार कोई भी आए, कांग्रेस की आएगी। पब्लिक में जोश है, पब्लिक में राहुल गांधी के लिए एक नया जोश है, एक उम्मीद है, और हम यही कहना चाहते हैं पब्लिक, आम जनता आज अकलमंद है, उनके अंदर इतना तो दिमाग है कि आप जिन लोगों पे भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाते थे, जिन जिन कांग्रेसियों को आपने भ्रष्टाचार के आरोप में उन पे बड़ी बड़ी बातें की, आज वो सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ चले गए। तो आप जब सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ चले गए, तो नाम बदल करके भ्रष्टाचारी जनता पार्टी रख लेना चाहिए। भाई, हमारी पार्टी में जो भी थे, हम ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी में भी अच्छे कुछ लोग होंगे, भ्रष्ट लोग रहे होंगे, लेकिन हमें खुशी है कि आज सारे भ्रष्ट लीडर जो हमारे बीच में थे, जो कांग्रेस पार्टी या अदर दूसरे विपक्ष पार्टियों में थे, आज सारे भ्रष्टाचारी एक साथ एक जगह जमा हो गए। सारे कचरा, सारे गंदे लोग भारतीय जनता पार्टी में चले चुके, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भ्रष्ट जनता पार्टी का नाम रख देना चाहिए। और जो नई पार्टियां जो हैं, नई ऊर्जा के साथ नए नौजवान जो जमे हुए हैं, उनको जनता कबूल करेगी। जनता को मालूम है कि अब कांग्रेस
या दूसरी जो विपक्ष पार्टी जो इंडिया गठबंधन में है उसमें अब कोई भी करप्ट आदमी नहीं बचा है, इसलिए जनता अब नॉन करप्ट गवर्नमेंट को चुनेगी और उसका एक ही विकल्प है, वो है इंडिया गठबंधन। आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को लूटा है, लूटने का काम किया है। 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, देश में कहीं रेलवे लाइन नहीं थी, बिजली के खंभे नहीं थे, इलेक्ट्रिक के खंभे नहीं थे, नहरें नहीं थी। आज मेरी उम्र करीब 50 साल हो रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे गांव में बिजली के खंभे लगते हुए, घरों में लाइट पहुंचाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, घर घर में टेलीफोन के बिल, टेलीफोन की लाइन जाते हुए हमने देखा है, गाँव गाँव में जो नहरें होती हैं जिसे सिंचाई का काम होता है इसको हमने अपनी आंखों से देखा है, दूर दूर तक गांव गांव में सड़कें बनाने का काम हमने अपनी आंखों से देखा है, रेलवे लाइन हमने अपनी आंखों के सामने बचती देखी है। 70 सालों में हमने देखा है कि हमारे पास गिनती के 2-4 हथियार थे, एटम बम बनाने का काम इंदिरा गांधी के ज़माने में 1970 में हमने अपने यहाँ देखा है, इस प्रकार से देश परमाणु शक्ति बना, किस तरह से देश में सैन्य ताकत बढ़ी, किस तरह से कांग्रेस ने पाकिस्तान को 3 बार हराया है, किस तरह से कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इनके पास सिवाय मुसलमान और पाकिस्तान के कोई जुमले नहीं है। कि आज मुझे आज जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो खबर आ रही है उसमें यह मालूम पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की एक कंपनी से फंड ले रही है, कभी यह इल्ज़ाम कांग्रेस पे नहीं लगा, कभी हमने ये नहीं सुना कि पठानकोट के अंदर आतंकवादी हमले होते हैं, हमारे सैनिक मारे जाते हैं, हमने कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसी भारत में आती है ये देखने के लिए कि यहाँ पे हमला हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कौन सा तमाशा है, देश को गुमराह करने की बात भारत के मीडिया के तरीके से हो रहा है, ये दुष्प्रचार बंद होना चाहिए, देश की जनता को सच्चाई बताना चाहिए। देश में 70 सालों में बहुत विकास किया है, जो भी हरित क्रांति कांग्रेस ने लाई, कंप्यूटर क्रांति कांग्रेस ने राजीव गांधी के जोर में आया, आज इतने सारे हमारे बीच में IT पार्क है, गोदरेज IT पार्क, हजारों लाखों की संख्या में लोग कॉल सेंटर्स में और इधर काम कर रहे हैं, ये रोजगार के अवसर कैसे पैदा हुए, ये कंप्यूटर क्रांति थी, ये राजीव गांधी की सोच थी, इसके कारण लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार के अवसर हर चीज़ें, चाहे परमाणु शक्ति हो, सैन्य शक्ति हो, डिफेंस हो, पेट्रोलियम हो, रेलवे हो, हवाई जहाज हो, हर चीज़ कहाँ पे जहाँ देखोगे आप कांग्रेस को ही पाओगे। मुंबई में हूँ और मुंबई की जनता है जिनसे मैं बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहा था कि 24 में क्या मुद्दे होंगे लोगों के, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोटिंग करेंगे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धर्म की राजनीति अब नहीं चलने वाली है, अब विकास की बात होगी, अब रोजगार की बात होगी। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।